चलिए आज चर्चा को बढ़ाते हैं, अपने एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं। हमारा एक्सरसाइज होगा 4.4। 4.3 को हमने पिछले क्लास में पूरी तरह से क्या किया है, समाप्त कर दिया है। उम्मीद करते हैं आप लोग भी तैयारी ठीक से कर रहे होंगे द्विघात समीकरण का। आज हम लोग पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर 4.4, लास्ट है। इसके बाद से शुरू होगा, पहले तो टेस्ट होगा इस चैप्टर समाप्ति के बाद, लेकिन चैप्टर समाप्ति के क्रम में कुछ शानदार जानकारियां जो भी आपके सामने रखी जाएंगी, ध्यान दीजिएगा तब इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पिछले क्लास में हम आप लोगों से चर्चा कर किए थे, फिर थोड़ा सा उसकी पुनरावृत्ति करेंगे तब आगे इसको पढ़ाएंगे। देखिए, यदि ये जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, उसको विवेचक या वित्तकर भी कहा जाता है, विवेचक या वित्तकर, विवेचक या वित्तकर। और इसे सूचित किया जाता है डी से, किससे सूचित किया जाता है, इसको डी से किया जाता है। और डी बराबर आपको पता है होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अगर आपसे क्वेश्चन एक ठू किया जाए कि 4x² - 3x और -2 = 0 का विवेचक याद करें, विवेचक क्या होगा, तो कैसे बनाएंगे विवेचक, कैसे निकालेंगे, आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा, ध्यान दीजिएगा कैसे बनाइएगा। यहाँ a बराबर 4, b बराबर -3 और c बराबर क्या, -2। a बराबर 4, b बराबर -3 और c बराबर -2। तो चूंकि विवेचक निकालना है आपको, तो विवेचक यानी d, विवेचक यानी d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो b का मान है -3 स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए का मान 4 और इंटू सी का मान -2। -3 का स्क्वायर +9 और --, गुना करेंगे तो प्लस होगा, 4 × 16, 16 × 32 और 32 में 9 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 41 होगा। अगर आपके परीक्षा में विवेचक या विवित्तकर पूछता है तो आप ऐसे ही ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। विवेचक यानी डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। चलिए इसको मिटाते हैं और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इस एक्सरसाइज में 4.4 में आपसे मूलों की प्रकृति संबंधित बातचीत करेगा। तो यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर बड़ा होता है जीरो से, बड़ा होता है जीरो से, तो दो ठो अलग अलग मूल प्राप्त होते हैं। जब ये बड़ा होता है जीरो से तो क्या प्राप्त होता है, दो जो मूल प्राप्त होते हैं भिन्न मूल प्राप्त होंगे, भिन्न मूल, जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे और दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है। यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर होगा जीरो के, तब भी दो होगा और वास्तविक तो निकलेगा ही, यह भी वास्तविक होगा, दो ठो मूल तो निकलेगा ही और वास्तविक भी होगा, और लेकिन समान होगा, यानी एक -3/2 है तो दूसरा भी -3/2 ही होगा। इस स्थिति में अगर आपको मूल निकालना है शॉर्टकट विधि से, आपको द्विघाती सूत्र का प्रयोग नहीं करना है, गुणनखंड विधि से नहीं निकालना चाहते हैं, और डायरेक्ट चाहते हैं कि आप इसका मान निकाल लें, यानी आप डायरेक्ट चाहते हैं कि इसका मूल ज्ञात हो जाए, कब, जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर हो जीरो के, तब उस स्थिति में आप सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं -b/2a। किस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, -b/2a। इस सूत्र के माध्यम से, -b/2a के माध्यम से आप चाहें तो डायरेक्ट, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो के बराबर हो जाता है और उस क्वेश्चन का आपको मूल ज्ञात करना है, ध्यान से सुनिएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यदि जीरो के बराबर होता है तो देखते ही आप समझ जाएंगे कि इसका दो वास्तविक समान मूल प्राप्त होगा, यानी दो ठो मूल तो प्राप्त होगा ही, दोनों समान होगा और वास्तविक होगा। उस स्थिति में आप चाहें तो -b/2a सूत्र का प्रयोग कर, ये शानदार सूत्र है, इसको ध्यान में रखिएगा, -b/2a आपके परीक्षा में पूछेगा कि
समान, जब मूल समान होते हैं, जब समान मूल की स्थिति में मतलब इस प्रकार से और ऑप्शन दे देगा, समान मूल की स्थिति में पूछेगा, सूत्र पूछ देगा, समान मूल की जब मूल समान होते हैं तो उस स्थिति में अगर आपको चार ऑप्शन देता है माइनस बी बाई टू ए माइनस बी बाई थ्री ए इस प्रकार से चार जो देता है तो आप क्या सेलेक्ट कीजिएगा, माइनस बी बाई टू ए। ठीक है, अब चलिए यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी से जीरो बड़ा हो, यानी इसका मान जब माइनस में हो, उस स्थिति में कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल ज्ञात नहीं होगा, है ना, कोई भी इसका वास्तविक मूल ज्ञात नहीं होगा। ठीक है, यानी कब ज्ञात होगा, दो वास्तविक मूल, दो वास्तविक भिन्न मूल होगा, अलग अलग मूल होगा, कब, जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बड़ा होगा जीरो से, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जब बराबर होगा जीरो के तो दो वास्तविक समान मूल प्राप्त होंगे, और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी से जब जीरो बड़ा होगा, यानी यह मान जब माइनस में होगा, उस स्थिति में वास्तविक मूल ज्ञात नहीं होगा, यानी उसका कोई वास्तविक मूल ही नहीं निकलेगा। ठीक है, इसको मिटाते हैं और तब आगे आपको लेके चलते हैं। अब चलेंगे एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज हमारा 4.4 है, उसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए एक नंबर क्वेश्चन है इसका, 2x2 माइनस 3x जोड़ 5 बराबर क्या, जीरो। यहां ए बराबर 2, बी बराबर माइनस 3 और सी बराबर क्या, 5। ठीक है, अब चलिए चूंकि डी यानी विवेचक विविधकर जो बोला जाता है पहले वो निकालेंगे तभी ना प्राप्त होगा, क्योंकि डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यह डी के बराबर हो गया क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप बी स्क्वायर माइनस 4ac कहिए या डी कहिए, दोनों बात क्या है, बराबर है, दोनों का मतलब डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान हो गया माइनस 3 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू ए का मान 2 और सी का मान क्या, 5। माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 और माइनस 4 दूना 8, 8 पचे 40, 9 में से 40 दिया तो माइनस क्या होगा, 31। यह देखिए डी का जो मान है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान है, यह 0 से क्या हो गया, छोटा हो गया, क्योंकि डी का मान जो है वह छोटा हो गया 0 से, इसलिए इसका कोई क्या मूलों का अस्तित्व नहीं है, यानी इसका कोई वास्तविक मूल ज्ञात नहीं होगा, नहीं निकलेगा, है ना। कब निकलता है, जब यह जीरो के बराबर होता या जीरो से बड़ा होता है। ठीक है ना, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, मिटा दे इसको, समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 3x2 माइनस 4√3x और प्लस 4=0। यहां पे देखिए, यहां a बराबर 3, b बराबर माइनस 4√3 और c बराबर क्या, 4। ठीक है, चूंकि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac तो b का मान है हमारा कितना, माइनस 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 3 और c का मान 4। 4 का माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 16 गुना √3 का स्क्वायर √9 का वर्गमूल 3 और माइनस 4 तिया 12, 12 चौका 48, 16 तिया 48 माइनस 48, 48 में से 48 घटाएंगे तो क्या होगा, 0 होगा।
तो चूंकि डी बराबर जीरो इसलिए इसका दो समान वास्तविक मूल प्राप्त होगा। दो समान वास्तविक मूल प्राप्त होगा। आप लोगों को बताए थे कि जब d बराबर जीरो हो तो हमारा जो दोनों मूल होगा वो समान होगा, वास्तविक होगा। उस जब समान जब होता है तो किस सूत्र, क्या सूत्र बताए थे, क्या सूत्र का प्रयोग करते हैं, हम इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, यानी दोनों समान मूल बराबर हो जाएगा माइनस बी बटा टू ए। बोले है ना, बताया है ना पीछे, इसके पहले दो चार मिनट पहले ही बताया है कि जब समान मूल हो तो किस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, माइनस बी बाई टू ए। यदि क्वेश्चन में नहीं कह रहा हो कि गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए या द्विघाती सूत्र से ज्ञात कीजिए, ऐसा तो कुछ कह नहीं रहा है, तो चलिए हम लोग सूत्र से निकालते हैं माइनस बी बाई टू ए से। तो माइनस और बी का मान हमारा कितना है, माइनस चार रूट तीन और बटा टू ए, यानी दो गुना ए का मान तीन। चलिए तो माइनस होगा यहाँ पे, माइनस माइनस हो गया प्लस, चार रूट तीन और बटा तीन दूना छ, दो तीन छ, दो दूना चार, यानी हमारा क्या हो जाएगा, दो रूट तीन, दो ठो मूल होगा ना, दो रूट तीन बटा तीन और फिर एक ठो और दो रूट तीन बटा तीन, यही हो जाएगा हमारा आंसर। दो ठो मूल प्राप्त होगा ना और दोनों समान होगा, दो रूट तीन बटा तीन और दो रूट तीन बटा तीन। ठीक है, चला जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए लेके चलते हैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर तीन पे। पहले वाले का कोई मूल नहीं था क्योंकि उसमें डी का मान जीरो से छोटा हो गया था, दूसरे वाले में डी का मान जीरो से जीरो के बराबर है, तो हमने माइनस बी बाई टू ए के फॉर्मूला से हमने निकाला इसके दो समान मान को। और फिर अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर तीन के तरफ, तीन नंबर क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री बराबर जीरो, टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री बराबर जीरो। चलिए जी, यहाँ पे यहाँ आपका a बराबर क्या होगा, दो, b बराबर माइनस छ और c बराबर तीन। a बराबर दो, b बराबर माइनस छ और c बराबर क्या, तीन। चूंकि d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी का मान माइनस छ का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए का मान टू और c का मान थ्री। माइनस छ का स्क्वायर होगा छत्तीस और माइनस चार दूना आठ, आठ तीन का होगा चौबीस, छत्तीस में से चौबीस घटेगा तो क्या होगा, बारह होगा। तो चूंकि d जो है वह बड़ा है जीरो से, इसलिए इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी, इसके दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। चलिए इसका निकाल लीजिए, दो ठो भिन्न वास्तविक मूल, तो कैसे निकालते हैं, द्विघाती सूत्र का ही प्रयोग कर लीजिए। चूंकि x बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई टू ए होता है ना, तो माइनस बी का मान क्या है, बी का मान है माइनस छ और प्लस माइनस रूट अंडर डी का मान कितना निकला है, डी का मान निकला है बारह और बटा टू ए, टू और ए का मान दो है, माइनस माइनस हो गया प्लस, ए छ प्लस माइनस ये बारह को तोड़िएगा तो दो दूना चार किया बारह होगा, यानी और बटा में क्या आ जाएगा, दो दूना चार। अब चलिए छ प्लस माइनस और दो ठो, दो के बदले एक ठो तो बाहर आएगा तो अंदर बचेगा तीन और बटा क्या हो जाएगा चार। अब यहाँ देखिए कुछ काम यहाँ बढ़ रहा है, काम क्या बढ़ रहा है, इसमें कॉमन निकाल लीजिए, छः और दो रूट तीन में दो कॉमन ले लीजिएगा, जब दो कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा, इधर द्वितीय छ तीन प्लस माइनस और इधर बचेगा रूट अंडर तीन और बटा क्या होगा, बटा चार, दो से चार कट जाए कितना बार में, दो बार में, यानी या तीन प्लस रूट तीन बटा दो तथा एक बार प्लस में और एक बार
माइनस में, तीन माइनस रूट तीन बटा दो यही होगा हमारा आंसर, तीन प्लस रूट तीन बटा दो और क्या होगा, तीन माइनस रूट तीन बटा दो। ठीक है, देख लीजिए इसको एक बार, मिटाएंगे तब चलेंगे क्वेश्चन नंबर दो के तरफ। क्वेश्चन नंबर दो देखिए, दो नंबर क्वेश्चन है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। दो बराबर मूल कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर होता है जीरो के, तभी ना, यानी डी का मान जब जीरो के बराबर होता है तब जाकर के दो बराबर मूल होते हैं। पर प्रत्येक निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। पहला क्वेश्चन है, दो एक्स स्क्वायर जोड़ के एक्स जोड़ तीन बराबर जीरो। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ हमें के का मान ज्ञात करना है ना, चलिए ए बराबर दो, बी बराबर के और सी बराबर तीन, कोई दिक्कत? चलिए इसका विवेचक हम लोग को ज्ञात करना होगा, बी क्योंकि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है ना वही जब जीरो के बराबर होता है तब इसके दोनों मूल बराबर होते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी पहले ज्ञात किया जाए, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर, तो बी का मान के स्क्वायर हो जाएगा, बी के है तो, और माइनस फोर इंटू ए का मान दो और सी का मान तीन, यानी के स्क्वायर माइनस चार दून आठ तिरका चौबीस। तो अब बताइए कि यह डी का मान है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान है, यानी इसके दोनों मूल समान है। दोनों मूल समान है कब समान होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। हमारा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान क्या है, के स्क्वायर माइनस चौबीस, यानी यह किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। तो चूंकि के स्क्वायर माइनस चौबीस बराबर होगा जीरो के, क्यों, क्योंकि इसके दोनों मूल समान है, और जब दोनों मूल समान होते हैं उस स्थिति कब दोनों मूल समान होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू जो होता है उसका वैल्यू शून्य के बराबर होता है। आइए के स्क्वायर हो जाएगा बराबर हो जाएगा, माइनस चौबीस इधर आएगा तो प्लस चौबीस, या के बराबर स्क्वायर हटेगा तो इधर चढ़ेगा रूट चौबीस, चढ़ेगा ना रूट। अब चलिए इसको तोड़ लीजिए, दो दूना चार दूना आठ तिरका चौबीस, अब दो ठोदो के बदले एक ठोदो बाहर, अंदर बचेगा द्वितीया छः, यानी यह प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा। के का मान होगा प्लस में भी दो रूट छः और माइनस में भी दो रूट छः, प्लस माइनस दो रूट छः होगा के का मान। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब तो आप लोग खुद इसको बना सकते हैं, लेकिन आइए चलिए इसका हल हम भी कर देते हैं। के एक्स में एक से गुना करेंगे तो के एक्स स्क्वायर, माइनस टू में के एक्स से गुना करेंगे तो टू के एक्स, और प्लस यहाँ छः बराबर क्या हो गया, जीरो। अब इस स्थिति में यहाँ ए बराबर के, बी बराबर माइनस टू के और सी बराबर क्या, छः। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकालना है हम लोग को, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर बी का मान माइनस टू के का होल स्क्वायर, माइनस फोर इंटू ए का मान के और गुना सी का मान छ, है ना। चलिए माइनस टू के का स्क्वायर करेंगे तो प्लस दो दूना चार के स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, और माइनस हो जाएगा चार छक चौबीस के हो जाएगा, कोई दिक्कत? यहाँ देखिए ना, ये तो और आसान हो गया, इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, चार के कॉमन ले लीजिए दोनों में के है तो यहाँ पे बच जाएगा के और माइनस चार छक चौबीस। अब यह भी तो शून्य के बराबर होगा ना, यह भी तो शून्य के बराबर होगा, तब ना इसके दोनों मूल समान होंगे। तो चूंकि चार के बराबर जीरो तथा ये दो भाग बट गया ना, एक भाग ये और एक भाग यह, चूंकि चार के बराबर जीरो तथा के माइनस छ बराबर जीरो, या चार के में के बराबर हो जाएगा जीरो बटा चार, जीरो और बटा में आ जाएगा चार, तथा के बराबर क्या हो गया, माइनस छः इधर आएगा तो प्लस छः हो गया, इसलिए के बराबर जीरो तथा के बराबर क्या, छः, यही हो जाएगा हमारा आंसर, के बराबर जीरो तथा छः, कोई दिक्कत? अतः भी लिख सकते हैं, अतः के बराबर जीरो तथा छः, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए इसको एक बार, समझ लीजिए तब चलेंगे क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। मिटा देते हैं इसको, प्रैक्टिस लगातार करते रहना है,
और शिक्षा ऐसी चीज है जिसपे किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। आपसे कोई सब कुछ छीन सकता है, आपके ज्ञान को किसी प्रकार का कोरोना वायरस जो है वो बाधित नहीं कर सकता है। घर में रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई पे फोकस रखें। चलिए अब चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो? लंबाई चौड़ाई से दोगुनी होता है, पहले हल करके देखते हैं, मानते हैं पहले। माना लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, माना कि उस बगिया की क्या चौड़ाई बराबर x, लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई की दुगुनी हो, यानी 2x हो जाएगा, दुगुनी है तो, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। देखिए बगिया जो है ना, तो बगिया जो होती है वो आयताकार होती है। बगिया का मतलब क्या हो गया, आयताकार, ठीक है। इसका लंबाई हो गया हमारा 2x और चौड़ाई हो गया हमारा x, और इसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, हो यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए। क्षेत्रफल है 800 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल कितना दिया है 800 मीटर स्क्वायर। तो आयताकार भाग जो होता है उसका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, क्योंकि x गुना 2x बराबर यह 800 मीटर स्क्वायर है ना, या दो यही ना, लंबाई और चौड़ाई, चौड़ाई गुना लंबाई या लंबाई गुना चौड़ाई, बात वही है, बराबर आयताकार भाग का होता है क्षेत्रफल। 2x स्क्वायर बराबर 800 या x स्क्वायर बराबर 800 और बटा क्या, यह हो जाएगा 2 से कट जाए कितना बार में, 400 बार में, या स्क्वायर हटेगा x पर से तो इधर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, और 400 का वर्गमूल तो आप लोग को पता ही है 20 होता है। 400 का वर्गमूल कितना होता है, 20 होता है ना। तो हमारा x का मान निकल गया 20 मीटर और यानी अतः चौड़ाई हमारा कितना निकल जाएगा, चौड़ाई निकल जाएगा 20 मीटर और लंबाई निकल जाएगा 20 में 2 से गुना कर देंगे तो 40 मीटर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ जो 20 है वो तो प्लस माइनस दोनों में आएगा, प्लस 20 भी और माइनस 20 भी, लेकिन क्या जो लंबाई चौड़ाई कुछ भी है वो माइनस में संभव है क्या, हम लोग प्लस 20 वाले को मानेंगे, ठीक है। तो लिख देंगे क्या, अतः आयताकार बगिया बनाना संभव है, ठीक है, आयताकार बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, बोले चौड़ाई, अतः चौड़ाई बराबर 20 मीटर तथा लंबाई बराबर 2 × 20 यानी 20 × 40 मीटर हो जाएगा आंसर। इसके ऊपर आप ये भी लिख सकते हैं कि आयताकार बगिया बनाना संभव है, ठीक है। अब पहले देख लीजिए इसको एक बार, तब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आसान था ना, बहुत ईजी था, कुछ नहीं करना था, बस x गुना 2x करके बराबर 800 कर देना था, आसानी से बन जाता। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। चलिए माना कि हमने पहले समीकरण तैयार किया जाए, तब ना देखा जाएगा कि स्थिति संभव है कि नहीं, वो बी स्क्वायर माइनस 4 से ज्ञात करके। माना कि पहले मित्र की आयु बराबर 1 वर्ष तथा दूसरे मित्र की आयु बराबर, इसलिए दूसरे मित्र की आयु बराबर क्या हो जाएगा, टोटल इनका योग कितना है, मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है तो 20 माइनस 1 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न से 4 वर्ष पूर्व यानी पूर्व मतलब पहले
यानी इसमें चार वर्ष घटा दिए तो इसमें भी तो चार वर्ष घटाएंगे ना। चार साल पहले अगर मान लीजिए चार साल कम था तो अभी तो चार साल कम होगा, 20-1 वाला भी यानी दूसरा मित्र भी तो चार साल कम होगा ना। 20 चार वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 वर्ष था, चार वर्ष पूर्व यानी इसमें भी चार वर्ष क्या करेंगे घटा देंगे 20-1-4। इनकी आयु का गुणनफल या गुणनफल हो रहा है ना कितना था 48 वर्ष था। तो आइए इक्वेशन पहले रेडी किया जाए, x माइनस 4 इंटू 20 में से 4 गया तो 16-x बराबर क्या 48। चलिए x में 16 से गुना करेंगे तो 16x, x माइनस 1 से करेंगे माइनस 1x2, माइनस 4 में प्लस 16 से करेंगे तो प्लस माइनस, माइनस 16 चौका 64 और माइनस माइनस प्लस 4 में 1 से करेंगे तो 4x बराबर 48। सबको एक तरफ कर लीजिए, 16x और माइनस 1x2 माइनस 64 प्लस 4x और माइनस 48 बराबर 0, या माइनस 1x2 और प्लस 16x और प्लस 4x, 16 4 प्लस हो जाएगा 20x और क्या माइनस 64 और माइनस 48, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 64 और 48 जोड़ेंगे तो माइनस 112, 64 48 112 होगा ना, हाँ बराबर 0। यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर या माइनस 26 और प्लस 112 बराबर 0। अब सबसे पहले ये कब ज्ञात होगा कि संभव है कि नहीं है, कब जब इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो तब या 0 से बड़ा हो तब, तभी ना संभव है। यदि ये 0 से मान लीजिए छोटा हो गया तो इसका कोई वास्तविक मूल ही नहीं निकलेगा, मूल ही नहीं निकलेगा तो मान निकालना संभव ही नहीं होगा। तो आइए सबसे पहले इसमें हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान याद करें, तो इसके लिए a बराबर 1, b बराबर माइनस 20 और c बराबर 112, ठीक है। तो चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लिया जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा, b का मान है माइनस 20 का होल स्क्वायर और माइनस 20 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू ए का मान 1 और सी का मान 112। माइनस 20 का स्क्वायर होगा प्लस 400 और माइनस 112 चौका 448, 400 में से 448 घटेगा तो माइनस 48, ठीक है माइनस 48। तो चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है यह बड़ा है 0 से, सॉरी ये छोटा है 0 से, यानी 0 जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac से बड़ा है, 0 जो है वह बी स्क्वायर माइनस 4ac से क्या है बड़ा है। इसका मान माइनस में आ गया इसलिए क्या लिख देंगे, ये संभव नहीं है, है ना, इसका कोई मूल ही ज्ञात नहीं होगा तो अतः यह संभव नहीं है। ये 0 से छोटा, 0 से क्या हो गया छोटा हो गया, अतः इसका मान ज्ञात करना संभव नहीं है, यानी निम्न स्थिति ही संभव नहीं है। ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऐसी स्थिति ही संभव नहीं है, ठीक है। तो देख लीजिए इसको एक बार मिटाएं और तब चले लास्ट क्वेश्चन की तरफ, अंतिम पड़ाव में है, हम लोग इस चैप्टर को समाप्त करने वाले हैं, तब ना हम लोग अगले वीडियो में इसका टेस्ट लेंगे। पहले अच्छी तरह से क्या कीजिए द्विघात समीकरण की तैयारी कर ले ताकि हमारा टेस्ट हो सके और आप लोग अच्छा अंक उसमें अर्जित कर सके, आप लोग का टोटल क्वेश्चन उसमें सही हो सके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चैप्टर समाप्ति के बाद पीछे का जितना क्वेश्चन है एग्जाम्पल का वो सारा जरूर बना लीजिए, है ना, एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यदि संभव हो तो कब संभव होगा, जब इक्वेशन रेडी करेंगे हम लोग, और इक्वेशन रेडी करने के बाद, अच्छा आइए देखते हैं आगे, देखते हैं कैसे क्या होता है। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के, यहाँ परिमाप है, किताब लेकर के पढ़िए, जब भी वीडियो से पढ़ाई करनी हो, जब भी ऑनलाइन पढ़ाई हम लोग करते हैं क्या, सामने बुक होना बहुत जरूरी होता है। यहाँ परिमाप बराबर
80 मीटर, क्षेत्रफल बराबर 400 मीटर स्क्वायर के पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। चलिए, पार्क मतलब आयताकार होता है, तो लंबाई माना कि मान लेते हैं, माना कि आयताकार भाग की पार्क की लंबाई बराबर L, पार्क की लंबाई बराबर L तथा चौड़ाई बराबर B। लेंथ होता है, ब्रेथ होता है ना, तो लंबाई को L मान लिया और चौड़ाई को क्या मान लिया, B मान लिया। आयत का परिमाप, अच्छा आयत का क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, और आयताकार भाग का जो परिमाप होता है वो कितना होता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, यही ना होता है। चूंकि परिमाप बराबर दिया है, आयताकार भाग का परिमाप बराबर 80 मीटर, कितना मीटर दिया गया है, 80 मीटर, तो आयताकार भाग का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, 2 × एल प्लस बी होता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो लंबाई हमने एल माना है और चौड़ाई क्या माना है, बी माना है, बराबर यह हो गया हमारा 80 मीटर, यानी या एल प्लस बी बराबर हो जाएगा या 80 और बटा में क्या हो जाएगा, 2, 80 बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 से 80 कट जाएगा कितना बार में, 40 बार में कट जाएगा, यानी एल प्लस बी बराबर हमारा हो जाएगा इधर कितना, 40, एल प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, या b बराबर एक समीकरण एक के लिए, या b बराबर ये 40 और प्लस l इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस l, या ऐसे भी लिख सकते थे कि l बराबर 40 और प्लस b इधर आएगा तो माइनस b, ये हम लोग मान सकते हैं इसको समीकरण एक। हमारा b का मान एक तो क्या प्राप्त हुआ, 40 माइनस l। पुनः चूंकि आयताकार भाग का क्षेत्रफल दिया है कितना, 400 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 400 मीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल का मतलब हो गया हमारा क्षेत्र, आयताकार भाग का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो लंबाई को हमने माना है L और चौड़ाई को माना है B बराबर 400 मीटर स्क्वायर। ये आप देखिए ना, हमारा यहाँ पे L गुना B बराबर 400 मीटर स्क्वायर, या L और गुना, हम चाहे तो इस बी के जगह पे, इस बी के जगह पे यहाँ पे हमका हमारा बी का मान क्या निकला है, 40 माइनस एल, बी का मान क्या निकला है, 40 माइनस एल, हम चाहे तो बी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 40 माइनस एल लिख सकते हैं, एल के रेस्पेक्ट में लाने के लिए, एल के रेस्पेक्ट में लाने के लिए हमने लिख दिया बराबर 400। यहाँ पे हम लिख सकते हैं समीकरण एक से, हमने 40 माइनस एल कहाँ से लिया है, समीकरण एक से लिया है, एल में 40 से गुना करेंगे तो 40 एल, तभी ना द्विघात समीकरण बनेगा, और माइनस एल में एल से करेंगे तो एल स्क्वायर और बराबर इधर क्या हो गया, 400, यानी 40 एल और माइनस एल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हम लोग, माइनस एल स्क्वायर और प्लस 40 एल और प्लस 400 इधर आएगा तो माइनस 400 बराबर 0। यहाँ पे अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, एल स्क्वायर, यहाँ होगा माइनस 40 एल और ये होगा प्लस 400 बराबर क्या, 0। तो चलिए हम लोग क्या करें, ये देखें कि स्थिति ऐसी संभव है कि नहीं, इसका मतलब पार्क को बनाना संभव है कि नहीं। कब संभव होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो, या बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, 0 से बड़ा हो। तो यहाँ पे a बराबर क्या है, 1 है, b बराबर क्या है, माइनस 40 और c बराबर क्या है, 400, यही ना है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए, तो b का मान हमारा माइनस 40 का होल स्क्वायर और माइनस 4 गुना a का मान 1 और गुना c का मान 400, यही ना। तो चलिए, 40 का स्क्वायर होता है 1600, 40 का स्क्वायर क्या होता है, माइनस 40 का स्क्वायर होगा 1600 और माइनस 400 में 400 से गुना करेंगे तो 1600, यानी 1600 में से 1600 घटेगा तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो चूँकि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो गया 0 के, इसलिए संभव है, या 0 के बराबर है तो इसका मान निकालना संभव है। कब संभव नहीं होता, जब इसका मान माइनस में आ जाता, तो संभव नहीं होता। तो
तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे, अतः इसलिए पार्क को बनाना संभव है, पार्क को बनाना संभव है। इस स्थिति में हमने क्या बताया था आप लोगों को कि इसका दोनों अगर मूल अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो के बराबर होता है तो इसका मूल ज्ञात करना हो तो अतः दोनों समान मूल बराबर क्या हो जाएंगे माइनस बी बटा टू ए, या आप चाहे तो ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? हमारा इक्वेशन कहाँ है? हमारा इक्वेशन यही ना, एल स्क्वायर माइनस चालीस एल प्लस चार सौ बराबर जीरो, यानी हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो दोनों समान मूल बराबर हो जाएगा, क्योंकि समान मूल बराबर जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो जीरो होता है तो आसानी से हम लोग समान मूल बराबर किससे निकाल सकते हैं, माइनस बी बटा टू ए, यानी माइनस, और बी का मान कितना है इसमें माइनस चालीस और बटा टू, और इंटू ए का मान, ए का मान कितना, एक, ए का मान एक, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस चालीस और बटा दो, दो से कट जाएगा कितना बार, बीस बार में, यानी बीस और बीस हो जाएगा, यानी लंबाई भी बीस और चौड़ाई भी बीस, अतः लंबाई बराबर 20 मीटर तथा चौड़ाई बराबर भी 20 मीटर ही हो जाएगा, दोनों समान मूल हो जाएगा ना, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों हमारा हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी हमारा L का भी मान जो है वो 20 मीटर हो जाएगा और B का भी मान हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। हमने लंबाई को क्या माना था, L माना था, और चौड़ाई को क्या माना था, B माना था, तो हमारा दोनों मूल समान आ गया। दोनों मूल जब समान आ गया तो लंबाई भी हमारा 20 मीटर हो जाएगा और चौड़ाई भी 20 मीटर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो अच्छी बात है। नहीं समझ आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, शेयर ज़रूर करें वीडियो को ताकि इसको आगे बढ़ाया जा सके, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, चैनल पे पहली बार देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।